वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक। आज हम रिव्यू करेंगे क्रिस्टोफर नॉलन की टेनेट। रिव्यू शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझने की कोशिश मत करो, महसूस करो। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोविड की प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लेट रिलीज़ हुई है। बाकी अदर कंट्रीज़ में ये फिल्म अगस्त में ही रिलीज़ हो गई थी, मगर देर से ही सही, इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ बाकी अदर लैंग्वेज में भी ये फिल्म रिलीज़ हो गई है। कहानी बेस्ड है जॉन वाशिंगटन पर, जो वर्ल्ड वॉर 3 रोकने के मिशन पर निकला हुआ है। उनका साथ देते हैं रॉबर्ट पैटिनसन। बात करते हैं फिल्म की कहानी और डायरेक्शन की, जो कि दोनों ही क्रिस्टोफर नॉलन ने किया है। इतनी कन्फ्यूजन कहानी लिखना और उसको डायरेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी बात है, जो कि छोटे मोटे डायरेक्टर की तो बस की बात ही नहीं है। इतनी मुश्किल कहानी को लिखने के बाद डायरेक्ट करना, ये क्रिस्टोफर नॉलन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, और इस चैलेंज को उन्होंने बखूबी निभाया है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन इस फिल्म में दिखाया है। एक्शन की बात करें तो वो कमाल का है। पहले आपको इस तरह के लाजवाब एक्शन किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिले होंगे। रिवर्स करे हुए एक्शन सीन्स इतने लाजवाब हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। बात करें फिल्म में एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो सभी ने अच्छा काम किया है, जिसमें सबसे पहले नाम जॉन डेविड वाशिंगटन का लेना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है। इसके अलावा रॉबर्ट पैटिनसन का भी काम अच्छा है। बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मुझे काफ़ी टाइम बाद इतनी ज़बरदस्त मूवी देखने को मिली है। ज़बरदस्त रिवर्स किए हुए फाइटिंग सीन इससे पहले मैंने किसी भी मूवी में नहीं देखे, जो कि मेरे लिए एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा। मैंने इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है इसका पेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जब तक ये फिल्म ऑडियंस की समझ में आना शुरू होती है, तब तक ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ध्यान रहे, जब भी आप ये फिल्म देखें तो बहुत ही सुकून से देखें, एक भी डायलॉग और एक भी सीन मिस ना करें। अगर कुछ भी मिस होता है तो आपकी ये फिल्म दिमाग से बहुत जल्दी उड़ जाएगी। इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ ये फिल्म सिनेमा हॉल पर ही देखें, क्योंकि इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो आपको सिनेमा हॉल पर मिलेगा, वो एक मोबाइल पर नहीं मिलेगा। लेकिन अपने माइंड को साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और मास मूवी ऑडियंस इस फिल्म को ईजिली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक उनके लिए बहुत बड़ा बाउंसर है। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर नीचे लिख के जरूर बताएं। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।